लोग आ रहे हैं, हम शहरवासियों को लगातार हम लोग कर रहे हैं कि बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, सभी लोग आए। क्लब के लोग 24 घंटा तत्पर हैं, आपको जो जिस रूप में पूजा का दर्शन करना चाहते हैं, जिस सुविधा से करना चाहते हैं, वैसे हम उनको माता का दर्शन कराएंगे। किसी भी तरह की सुविधा आपको यहाँ नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे परिवार के साथ आकर माता का दर्शन करें और हम क्लब के लोगों का हौसला अफजाई करें। माता दी, आर आई स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से, आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आए परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दशहरा के दिन रावण के पुतले को रिमोट के जरिए जलाया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आग लगाने के साथ ही बुराई का प्रतीक धू धू कर जल गया। वहीं सोने की लंका में जमकर आतिशबाजी हुई। मुराबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम को देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुराबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की तरफ से बरसों से आयोजित हो रही दशहरे के शुभ अवसर पर और इस त्योहार के अंतिम चरण पर यहां पर रावण दहन का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं और उसी क्रम में एक और कड़ी आज फिर से ये जुड़ रहा है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।